गोकुल में जिसने किया निवास, उसने गोपियों संग रचा इतिहास। देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। वृंदावन से आप सभी को मेरी राधे राधे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको दर्शन करवाए थे बांके बिहारी मंदिर के, और आज के एपिसोड में मैं आपको इस्कॉन में ले जाकर इतना भव्य कीर्तन दिखाऊंगी कि आपको इस वीडियो में आनंद आ जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए। इसलिए वो मैं एक जगह बैठकर बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। क्योंकि जो भीड़ मैंने देखी है ना, मैंने इससे पहले कभी इतनी भीड़ में, मतलब कभी इतनी भीड़ में मैंने नहीं गई हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा कि आपका पापड़ बन के बाहर निकलेगा। तो उसके बारे में ना मैं आपको सारी चीज़ें अभी बताऊँगी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ आने से पहले, और कितने बजे दर्शन करने जाने चाहिए जिस वक्त भीड़ कम मिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और बाय चांस अगर ये वीडियो लंबा हो जाए तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो अब मैं भीड़ में से आके बाहर आके आ चुकी हूँ। मैं दर्शन करके, दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, पहले थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, थोड़ी सी एक जगह बैठ जाऊँ कहीं पर, और उसके बाद मैं जा रही हूँ यहाँ से प्रेम मंदिर, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है प्रेम मंदिर में। तो पहले प्रेम मंदिर जा रही हूँ, ठीक है, फिर तसल्ली से मुझे जगह मिली वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है बताना। रिक्शा वाले की बात करें तो यहाँ पे ना रिक्शा यहाँ पे जा रहे हैं, अगर मैं जैसे प्रेम मंदिर के लिए मैं रिक्शा ढूंढ रही हूँ तो प्रेम मंदिर तक रिक्शा नहीं जा रहा है। अगर आप प्राइवेट रिक्शा लेकर जाओगे तो प्रेम मंदिर तक जाएगा। तो 50 रुपये पर हेड सवारी मांग रहे हैं अगर आप मतलब प्रेम मंदिर जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड्स लगे जिसकी वजह से वो रिक्शा अंदर नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से लोग नहीं जा, इस वजह से रिक्शा जो है ना वो प्रेम मंदिर तक नहीं जा रहे, वो पहले ही उतार देंगे। ठीक है, तो और इक्का दुक्का जो जा रहा है तो उसके लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा दे के, मतलब 50 रुपये पर हेड के हिसाब से आपको पैसे देने होंगे तो आप जा सकते हो। क्यों ना, यहाँ से यहाँ से आधा किलोमीटर का रास्ता है इस्कॉन टेम्पल का। अरे बाप रे, इतने क्राउड में व्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आती है। तो यहाँ ही मंदिर के बाहर खड़ी हूँ मैं, तो यहाँ से इस्कॉन की जो दूरी है ना वो थोड़ी दूर है, पास में ही है, तो यहाँ से आपको रिक्शा आराम से मिल जाएंगे। तो 10 रुपये सवारी या 20 रुपये सवारी लेंगे, ठीक है। बाकी प्रेम मंदिर तक कोई रिक्शा नहीं जा रहा है, तो अभी तक की तो अपडेट यही थी, बाकी देखती हूँ कि मैं कैसे पहुँचती हूँ। चलते हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर। इस्कॉन मंदिर को हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1998 में की थी। जूते अंदर आके रख लो, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको एक बैग दे दिया जाता है, बैग में टोकन आपको मिल जाएगा, तो वो ज्यादा सेफ है। लेकिन बाहर जूते रखोगे ना तो बाहर कूड़े की तरह पड़े रहते हैं, खो भी सकते हैं, गंदे भी हो सकते हैं, तो इसलिए अंदर ही जूते वगैरह रख लो। तो फिलहाल में तो फाइनली मैंने अंदर एंटर कर ही लिया है, नाना करते करते भी आ ही गई था। यार अंदर भीड़ है लेकिन स्कैटर्ड है थोड़ी ना, इतनी ज़्यादा नहीं है, खच खच धक्के मुक्के वाली नहीं है जो कि बाकी बिहारी टेम्पल में। Thank you.
इस्कॉन टेम्पल्स दुनिया में सब जगह हैं। इस मंदिर का नाम एक विशेष अंग्रेजी भाषा के शब्दों को बनाकर किया गया। इस्कॉन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस आध्यात्मिक संस्थान की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। इस्कॉन के जो तत्व हैं उनका आधार 5000 साल पहले हुए भगवद गीता पर आधारित है। इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं वो भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं और देवता के जितने भी अवतार हुए वो सभी भगवान कृष्ण के हैं, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो सभी भगवान कृष्ण को मुख्य देवता मानते हैं और मैं भी। इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी पूरे भारत में भगवान कृष्ण के मंदिर बनवाना चाहते थे। प्रभुपाद जी ऐसा भी कहते थे कि ये सभी मंदिर आध्यात्मिक अस्पताल हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस तरह एक मरीज अस्पताल जाता है, उसी तरह एक भक्त ने भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर आना चाहिए और भगवान के कीर्तन सुनने चाहिए, जिससे उसके विचार अच्छे हो जाते हैं, वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। ऐसे कीर्तन कर आपके अंदर पॉजिटिविटी भर जाती है और आप सारे दुख परेशानी आप बिल्कुल भूल जाते हो, जब आप भगवान कृष्ण के कीर्तन में मग्न हो जाते हो। तो चलिए मेरे साथ भगवान कृष्ण के इस चमत्कारी और अद्भुत कीर्तन का हिस्सा बनिए। भूल जाइए अपनी सारी दुख परेशानी और लीन हो जाइए भगवान कृष्ण की भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दर्शन करके कीर्तन करके भजन गा के बहुत बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो प्रसाद तो नहीं मिला तो सोचा गोलगप्पे ही खा लूँ। तो लगातार गोलगप्पे खाने के बाद यह एहसास हुआ कि गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो सोचा कान्हा जी के लिए आसन भी ले लूँ। और यहाँ पर आसन वगैरह अच्छे तो मिल रहे थे लेकिन महंगे बहुत थे, लेकिन फिर भी मैंने कान्हा जी के लिए एक आसन तो यहाँ से ले ही लिया। तो जी दोस्तों, प्रेम मंदिर हो चुका है बंद, 8:30 बजे तक का टाइम है लास्ट। और तो
तो मैं वहाँ नहीं जा पाई, मुझे 9:30 तो यहीं बज गए तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं कल ट्राई करूँगी, ठीक है, टाइम से जाने के लिए, लेकिन आज तो नहीं जा पाई। और अब मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ, और मैं फिर खाना खा के डिनर करके उसके बाद मैं सीधे अपना रूम पर जाऊँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। सबसे ज़्यादा थकान मुझे हुई है बांके बिहारी मंदिर में, क्योंकि जो भीड़ का सामना करना पड़ा ना, उसके बारे में ही बताऊँगी। अगर इस वीडियो में नहीं पता भाई तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगी पूरा। तो ज़रूर, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और जो भी डिटेल्स, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ ना, वो पूरी तरह से अनबायस्ड होता है, ऑथेंटिक होता है। तो इसलिए अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है ना आपको मेरी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ताकि और भी लोगों को ये वीडियो पहुँच पाए। तो दोस्तों, अब मैं आई हूँ खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और भूख बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि क्या है कि फास्ट फूड से ना पेट नहीं भरता। ऊपर आने के बाद पता चलता है कि इतना ज़्यादा पूरा फुल हो रखा है, तो वेट करने के लिए बोला है कि वेट कर लो, अभी खाली होने वाला है, मतलब खाना अच्छा होगा, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। चलो, जब तक खाना आ रहा है तब तक मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बांके बिहारी मंदिर के बारे में, जो मेरे को आपको बताना था। देखो, अगर आप बांके बिहारी मंदिर जा रहे हो ना, तो पहली बात तो ये कि वहाँ पर भीड़ बहुत रहती है, जैसे कि आपने टीवी वगैरह में देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अगर आप वीकेंड पे जाते हो तो वीकेंड पे बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड होता है वहाँ पर, इतना ज़्यादा होता है कि लोग लिटरली एक दूसरे को धक्का मारते हैं, इतना ज़्यादा धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, आप गिर जाओगे, पड़ जाओगे, किसी को कोई परवाह नहीं है। मतलब बच्चों को उस टाइम पे मत ले जाना, क्योंकि बच्चे बेचारे बहुत परेशान होते हुए देखे, मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, गिरते हुए देखा उस भीड़ में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि देखो बहुत लोग ये चीज़ें नहीं बताते। दूसरी बात आती है प्रसाद की बात, कि जैसे आप बाहर से प्रसाद खरीद के लेके जाते हो ना, या माखन मिश्री ले जाते हो, या पेड़ा ले जाते हो, तो प्रसाद जब आप अंदर चढ़वाओगे ना, तो पहली बात तो आपको नहीं चढ़ाने देंगे, वहाँ पे कुछ पंडित वगैरह खड़े होते हैं, तो उनको वो प्रसाद ले लेते हैं, ठीक है, उसके बदले में वो आपको पहले पैसे के लिए बोलेंगे कि मतलब कुछ दक्षिणा दो, ये दो, तो आपको अपना हिसाब से जो भी आपको देना है वो आप दे दो, तो वो आपको प्रसाद चढ़ा के तब देंगे। तो प्रसाद में आपको तुलसी जी ज़रूर मिलती है, क्योंकि तुलसी का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो मेन प्रसाद होता है ना वो तुलसी का ही होता है, जो कि विष्णु भगवान को, कान्हा जी को चढ़ाया जाता है। तो इसलिए प्रसाद में तुलसी मिलती है, तो ज़रूर अपने घर में लाएँ, और वही तुलसी का आप तुलसी ला के आप पेड़ में भी डाल सकते हो, गमले में डाल सकते हो घर आके, तो बहुत शुभ होगा। तो इस तरह से आप प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हो यहाँ। राधे राधे दोस्तों, मैंने अभी खाना खाने के बाद ना यहाँ पे बादाम का मिल्क मिल रहा है गर्मा गर्म, तो मैंने सोचा पी लेते हैं, और बहुत टेस्टी होता है। जी दोस्तों, खाना पीना हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम पर सोने। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।